क्या है करण की सक्सेस स्टोरी? धर्मा प्रोडक्शंस की कौन सी फिल्मों ने जीता फैंस का दिल? करण से लेकर राजा मौली तक कौन से हैं इंडिया के बिलियनेयर फिल्म मेकर्स? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज। मैं अपर्णा सिन्हा आज आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ कुछ होता है टू मूवी से जुड़ी कई सारी, जी हाँ दोस्तों, कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा। आज हम आपको बताने वाले हैं बॉलीवुड के हिट डायरेक्टर प्रोड्यूसर करण जौहर की स्टोरी के बारे में और साथ ही उनकी टॉप फिल्मों के बारे में, और साथ ही आज हम आपको इंडिया के रिचेस्ट डायरेक्टर्स के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। करण जौहर एक सक्सेसफुल डायरेक्टर प्रोड्यूसर है जिन्होंने धर्मा प्रोडक्शंस बैनर के नीचे कई हिट फिल्में बनाई हैं और अपने पिता प्रोड्यूसर यश जौहर के कदमों पर चले हैं। करण ने अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू 1998 में रोमांटिक मूवी कुछ कुछ होता है से किया और फिर हमें करण जौहर की सुपर हिट और आइकॉनिक रोमांटिक हिट्स देखने को मिली जो सभी 90s के किड्स ने बड़े होते हुए और टीनेज में देखी। धर्मा प्रोडक्शन के साथ काम करना कई एस्पायरिंग एक्टर्स का सपना है। करण ने जिन भी एक्टर्स को लॉन्च किया है वो सुपर हिट रही हैं और मानो उन्होंने उनका करियर ही सेट कर दिया हो। करण को कई अवार्ड भी मिल चुके हैं जिनमें नेशनल अवार्ड भी शामिल हैं। यश चोपड़ा की दिल वाली दुल्हनिया ले जाएंगे में उन्होंने एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया था। करण की स्टोरी काफी इंस्पायरिंग है। वो 20 सालों से बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर होने के साथ साथ वो एक फैशन डिजाइनर भी है। उनकी फैशन सेंस इम्पेकेबल है, साथ ही उन्होंने कई रियलिटी शोज को भी जज किया है और वो अपने पॉपुलर चैट शो कॉफी विद करण के लिए भी न्यूज में आते रहते हैं। करण इंडिया के बिलियनेयर फिल्म मेकर्स में से एक हैं। करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन की सुपरहिट फिल्मों की बात करें तो करण की पहली मूवी कुछ कुछ होता है ही सुपरहिट थी और उसके बाद कभी खुशी कभी गम, कभी अलविदा ना कहना, कल हो ना हो जैसी फिल्में और उनके कैरेक्टर्स आज भी सबको याद है। साथ ही साथ स्टूडेंट ऑफ द ईयर, ऐ दिल है मुश्किल, काल कुर्बान, डियर जिंदगी, राजी, गिल्टी जैसी फिल्में भी मोस्ट पॉपुलर है। पिछले 20 सालों से करण की फिल्मों में हमें एक रिवॉल्यूशन होता हुआ दिख रहा है। करण की हिट फिल्मों का सिलसिला अभी कई और सालों तक जारी रहेगा और हमें नई और यूनिक फिल्में देखने को मिलती रहेगी। डायरेक्टर्स फेस बिहाइंड द कैमरास हैं और उनका काम बेस्ट एक्टर्स में से बेस्ट काम लेने का होता है। एक मूवी पहले एक डायरेक्टर के दिमाग में बन चुकी होती है और फिर वो बड़ी स्क्रीन पर जाकर पहुंचती है। आज के डायरेक्टर्स जैसे कि करण जौहर, एसएस राजामौली, संजय लीला भंसाली, राजकुमार हिरानी और कबीर खान जैसे डायरेक्टर्स जिन्होंने हमें बेस्ट मूवीज दी है, उनका नेटवर्थ 150 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है और ये इंडिया के टॉप बिलियनेयर फिल्म मेकर्स में से एक है जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को नई मुकाम हासिल कराई है। धर्मा प्रोडक्शंस की कौन सी मूवी आपको सबसे ज्यादा पसंद है ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें और सेफ रहें। थैंक यू।